हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बिल्कुल यूनिक से टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, दैट इज़ गोल्डन राइस प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, एक्चुअल में कुछ टाइम पहले वर्ल्ड के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि बहुत सारी कंट्रीज़ विटामिन ए की कमी से जूझ रही थी। मैनी कंट्रीज़ वाज सफरिंग फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। बहुत सारे बच्चे, बड़े, बहुत सारे लोग विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जूझ रहे थे, और तो और 6 लाख से भी ज़्यादा बच्चों की डेथ भी हो चुकी थी। मोर देन 6 लाख चिल्ड्रंस वर किल्ड ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो देखिए, विटामिन ए की जो कमी थी वो एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुकी थी ओवरऑल वर्ल्ड। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया। तो आज मैं उस सॉल्यूशन की बात करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से इस विटामिन ए की कमी को पूरा किया गया। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा, भाई जो राइस प्लांट है, राइस प्लांट को वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत सारी कंट्रीज में इसको खाया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उस राइस प्लांट के अंदर 3 जीन डाल दिए। क्या डाल दिए? 3 जीन। बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको सिखाया है तो आपको पता है कि जीन को कैसे इंसर्ट किया जाता है प्लांट सेल के अंदर। तो 3 जीन डाल दिए, और वो 3 जीन कुछ ऐसे जीन थे जो सिंथेसाइज कर सकते थे, जो सिंथेसाइज कर सकते थे प्लांट के अंदर बीटा कैरोटीन नाम के केमिकल को, और यू कैन से बीटा कैरोटीन नाम के एक न्यूट्रिएंट को सिंथेसाइज कर सकते थे। अब आपको समझना है कि बीटा कैरोटीन क्या है, क्यों डाला गया बीटा कैरोटीन को। देखिए बच्चों, जो बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है, इट इज दी प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। प्रीकर्सर का मतलब है कि जो इसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है, जो इसको इनिशिएट करवाता है विटामिन ए के सिंथेसिस को। तो हमारी बॉडी में विटामिन ए बनने के लिए जरूरत पड़ती है बीटा कैरोटीन की। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, राइस के प्लांट के अंदर 3 ऐसे जीन डाल दिए जिससे राइस के प्लांट में क्या बनने शुरू हो गया, बीटा कैरोटीन ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू हो गया। तो जब एक रिपोर्ट 2005 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब टेस्ट किया गया राइस प्लांट को, तो ऐसा पाया गया कि उसके अंदर जो बीटा कैरोटीन की अमाउंट थी वो 23 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी, 23 टाइम्स मोर बीटा कैरोटीन। देखिए मैं फिर से बताता हूँ कि जो राइस प्लांट है, 2005 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राइस प्लांट के अंदर बीटा कैरोटीन की जो अमाउंट थी वो 23 टाइम्स, 23 गुना ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। तो यानी कि अब उस प्लांट, राइस प्लांट को जो भी खाएगा उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में बीटा कैरोटीन जाएगा और उसकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स विटामिन ए की समस्या खत्म हो जाएगी। अब क्योंकि बीटा कैरोटीन प्लांट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में बन रहा था, तो बीटा कैरोटीन की वजह से जो राइस प्लांट थे उनका कलर येलो अपीयर होने लग गया। सो राइस प्लांट का जो कलर था वो येलो अपीयर होने लगा। इस वजह से इन राइस प्लांट को नाम दिया गया बच्चों गोल्डन राइस का, गोल्डन राइस का। तो आप समझ गए कि क्यों इसको गोल्डन राइस बोला गया, क्योंकि बीटा कैरोटीन के कारण प्लांट का जो जो राइस था उसका कलर येलो हो रहा था, तो इसको गोल्डन राइस बोला गया। और इस गोल्डन राइस के अंदर प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन सिंथेसाइज हो रहा था, जिसकी वजह से विटामिन ए की हर काफ़ी तरह की समस्याओं को सोल्व कर दिया गया। जैसे कि चलो लिख देते हैं, सो गोल्डन राइस सोल्ड द डिजीज related to vitamin A,
कि विटामिन ए से रिलेटेड जितने भी बीमारियां थी उसको गोल्डन राइस ने सॉल्व कर दिया। और कौन कौन सी बीमारियां थी, कौन कौन सी डिजीज थी, डिजीज थी जैसे कि ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थैल्मिया जो है ये आई ड्राइनेस को बोलते हैं बच्चों, ब्लाइंडनेस आपको पता ही अंधापन, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया गया बाय यूजिंग गोल्डन राइस। तो ये गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों। अब गोल्डन राइस के बाद मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये है बच्चों फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में। फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में देखिए बच्चों, जो टोमेटो होता है, टोमेटो के पास एक खास तरह का जीन होता है और ये जीन हमें पता है कि कोई भी जीन सबसे पहले एक एमआरएनए बनाता है और उस एमआरएनए से खास तरह का प्रोटीन या आप बोल सकते हो खास तरह का एंजाइम बनता है। ये प्रोसेस सभी में नॉर्मल रहता है। तो ये जो जीन था इसने एक एंजाइम बनाया और उस एंजाइम का नाम था पॉलीग्लैक्टुरोनेज, पॉलीग्लैक्टुरोनेज। तो ये एंजाइम टोमेटो का ये जीन बना रहा था। अब ये एंजाइम, इसका रोल क्या होता है, इस एंजाइम का फंक्शन होता है फास्ट राइपनिंग, यानी कि जो फल होता है या जो टोमेटो है वो जल्दी पक जाता है, फास्ट राइपनिंग ऑफ टोमेटो। और अगर सीधी सी बात है भाई, कोई चीज़ जल्दी पकेगी तो डैमेज भी जल्दी हो जाएगी वो, क्योंकि वो जल्दी गल जाएगा, वो डैमेज जल्दी हो जाएगा, वो जल्दी गल जाएगा। तो ये एक इशू था, ये एक प्रॉब्लम थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया गया, इसका सॉल्यूशन निकाला गया एक खास तरह की टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं आरएनए आई टेक्नोलॉजी। आरएनए आई टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है बच्चों, इस टेक्नोलॉजी के अंदर मैसेंजर आरएनए को ब्लॉक कर दिया जाता है, मैसेंजर आरएनए को एक खास तकनीक के जरिए ब्लॉक कर दिया जाता है। और अब देखिए ऊपर, अगर हम यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो है इस प्रोसेस में, अगर मैसेंजर आरएनए को यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, यानी कि पॉलीग्लैक्टुरोनेज नहीं बनेगा या कम बनेगा, तो फास्ट राइपनिंग भी रुक जाएगी और टोमेटो जल्दी से डैमेज नहीं होगा, वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेगा। तो इन दैट केस जो टोमेटो होगा वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक, यानी कि लंबे टाइम तक क्या रहेगा, लॉन्गर ड्यूरेशन तक फ्रेश रहेगा। इस टाइप से इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आरएनए आई टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो यहां पे आपको बस इतना ही करना है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।